देश विदेश विच फतेह टीवी देख रहे समूह दर्शकों का एक बार फिर निघा स्वागत है। सो प्यारे दर्शकों, अज असी मुड़ तुहाडी सेवा विच हाजिर होए हाँ अपना प्रोग्राम लैके पंथक सरगर्मियां। पंथक सरगर्मियां दे इस प्रोग्राम का असी आगाज करांगे देश की राजधानी दिल्ली तो, जिथे कि पिछले दिन मनुखी अधिकार दिवस मौके वख-वख पंथक जथेबंदियां ने सांझे रूप दे विच गुरद्वारा श्री बंगला साहब तो राष्ट्रपति भवन तक एक विशाल रोस मार्च जरा आयोजन किया गया। बंदी सिंघां दी रिहाई दे मुद्दे नूं लैके किया गया ये रोस मार्च अपने आप च एक विलक्षण मार्च सी, जिस दे विच वड्डी गिणती विच वख-वख पंथक जथेबंदियां दे आगुआं ते उन्हां दे कारकुनां ने केसरी झंडे लहरा के जोरदार नारेबाजी करदिआं होइआं भारत सरकार तों मंग कीती कि बंदी सिंघां नूं तुरंत रिहा किया जाए। सो इस मौके दे उत्ते इस रोस मार्च की अगवाई करते हुए उग्गी सिख शख्सीयत ते श्री अकाल तख्त साहब के साबका सिंह साहब जथेदार भाई जसबीर सिंह रोडे ने अपने शब्दों का प्रगटावा करदिआं होइआं कहा, भारत सरकार नूं मनुखी हक्कां की राखी करदिआं होइआं तुरंत पहल के आधार पर अपनियां सजावां भुगत चुके बंदी सिंघां नूं रिहा करना चाहीदा है। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल भाई जसबीर सिंह रोडे ने अपने साथियों नूं संबोधन करदिआं होइआं भारत सरकार नूं अपील कीती। दुनिया भर दे विच मनुखी अधिकार दिन मनाया जा रहा है। असीं महसूस करदे हां कि भारत दे विच सिख कौम दे जिहड़े अधिकार है मनुखी अधिकार है वह बिल्कुल कुचले हुए आ। थां थां ते साडे नाल बेइंसाफी हो रही है, धक्का हो रहा है, जिहदे करके अज असीं जानते हैं कि 28-30 साल तो साढ़े सिख जेल च बंद है, उन्होंने बंदी बना के किडनैप करके रखा गया क्योंकि वह अपनी सजावं पूरी कर चुके हैं। ये बावजूद कोई सरकार छड़न वास्ते तैयार नहीं। जे भाई दविंदरपाल सिंह भुल्लर दे लई कोर्ट ने आर्डर भी कर दिते, फिर भी केजरीवाल इस गल तो इनकारी हो के उसने कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी रिट पा दी भी ये बंदा नहीं छड़ना। दसो दे ना कोई निजी साड़ी रंजिश है, कोई दुश्मनी है। सिखां नाल पैर पैर ते केंद्र सरकार भी ते स्टेटां भी धक्का कर रही हैं। इस करके अज दा जिहड़ा रोस मार्च है ये बड़ा ही शांतमई ढंग दे नाल जिहड़ियां हजारां संगतां केसरी निशान साहब दी छत्तर साहिब दे थल्ले असीं भारत सरकार नूं भारत दे प्रधानमंत्री नूं एक सुनेहा देण आए हां कि साडियां भावनावां नूं समझो। अज मनुखी अधिकार दिन है, अज ही जिहड़े साडे बंदी सिख है इन्हां नूं रिहा किया जाए। जिन्हां ते झूठी हुई NSA ला के दरोगढ़ दीआं जेलां छुट्टिया गया है उन्हां नूं भी तुरंत रिहा किया जाए। बहुत सारे पंजाब दीआं जेलां च बंदी बना के रखे है जिन्हां ते केस भी नहीं चल रहे, ते भाई राजवाणे दी जो हालत है ते जो उहदीआं भावनावां उह वक्खरीआं वक्खरीआं क्योंकि उह नहीं चाहुंदा कि मैं तिल तिल करके जेल दीआं काल कोठीआं च मरां। उह चाहुंदा कि मैं फांसी दे रस्से झूट के सिख कौम दे विच स्पिरिट भर के जावां। पर साडी लीडरशिप दी जिहड़ी दोगली नीति है उहदे विच दुबदा है, उह भाई राजवाणा दीआं भावनावां नूं कुचल रही है। असीं इत्थे बेनती करांगे कि दे साडा कौम दा जथेदार ते श्रोमणी कमेटी प्रधान एक फैसला लवे, जां तां सरकार दे विरुद्ध लवे ते जां अपनी मरसी पटीशन जिहड़ी है उह वापस लै लवे क्योंकि इह उहदी भावना है कि मेरी कौम दे नाल जो बेइंसाफी होई है ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕੁਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸ ਢੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਧ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਰਿਆਵਲ ਦਸਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ,
जिस विच उन्होंने फेडरेशन के वख-वख धड़ियां नाल संबंधित समूह अगुवां नूं बेनती की कि वह फेडरेशन के शानामती इतिहास नूं कायम रखदे होया अते पंथ की मौजूदा स्थिति विच एकता का प्रदर्शन करदे होया तुरंत धड़ेबंदी तो मुक्त होकर फेडरेशन नूं एक प्लेटफार्म से एकजुट करन। सो उन्होंने समुचिया फेडरेशन के आगुआ यह भी बेनती की कि फेडरेशन की मुड़ शान वधाने लई वह निजी खुदगर्जियां तो उपर उठ के एकजुट होण। इस मौके पर फेडरेशन नाल संबंधित वख-वख धड़ियां के आगुआ ने सरदार हरजिंदर सिंह धामी नूं सारे अधिकार दे दिते कि वह आने वाले समय के फेडरेशन का मुड़ तो पुनर्गठन करन। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल सरदार हरजिंदर सिंह धामी ने फेडरेशन आगुआ नाल होई मीटिंग का खुलासा किया कि यह आल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन यह वो विरासत लैके बैठी जिहड़ी विरासत नूं भाई श्री अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी जिन्होंने अपने लहू ते मिंज दे नाल श्री अकाल तख्त साहब की आजमत नूं आँच नहीं आउण दित्ती ते उत्थे शहीदी पाई। सो यह वो फेडरेशन आया सारियां। सो इन्होंने अज एक यह भी सवाल उठाया कि आपां एक सुरता विच आईए उदे संबंध में भी सारिया विचारधारा इतने हुई। मैनू इस गल की खुशी भी है तो माण भी आ कि अज जिहड़ी मीटिंग हुई है बड़े सामे माहौल दे विच किसे ने ना उठ के जाण दा यतन किया ना किसी ने कोई जल पानी छकण दा यतन किया। जिन्ना चिर तीन घंटे मीटिंग चली आ तो मैनू वो पुराना समा चेते आउंदा पे घंटिया बद्धी बैठते सी ते कोई ना कोई फैसला ते हल करके निकलते। सो ये चेचे तौर पर अज इत्थे बैठ के सारा फैसला किया पलेटी अज मीटिंग सी साडी। सो प्यारे दर्शकों असी फिर हुण गल करांगे बंदी सिंघां दी रिहाई दा। बंदी सिंघां दी रिहाई दा मुद्दा दिन प्रति दिन बड़ी तेजी दे नाल जोर फड़दा जा रहा है। इसे संबंध दे विच श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहिब वल्लों एक उच्च ताकती 5 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया है जो कि सीधे रूप दे विच देश के प्रधानमंत्री ते राष्ट्रपति दे नाल गलबात करके बंदी सिंघां दा मसला सुलझाण लई पहलकदमी करेगी। सो इसे आसे नूं लैके पिछले दिनी गठित की गई उच्च ताकती इस कमेटी के समूह मैंबरां दी एक पलेठी मीटिंग अमृतसर विखे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की सरप्रस्ती हेठ हुई जिस विच सरदार धामी ने केंद्र सरकार तो मंग की कि बंदी सिंघां दी रिहाई का मामला जिहड़ा है वह तुरंत विचारिया जाए। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल सरदार हरजिंदर सिंह धामी ने उक्त मीटिंग दे विच अपने शब्दों का प्रगटावा किया। एक आदेश किया कि तुसी आ 5 मैंबरी असी कमेटी एक बना दित्ती आ आ जिन्ने 5 मैंबर बैठे जिन्हां च बहुत सत्कारयोग सरदार हरवीर सिंह कालका दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार परजिंदर सिंह जी हमदर्द जेडे पंजाब दे नाल लंबे अरसे तो हर एक पक्ष तो पंजाबी नूं होवे चाहे सिक्खी की गल हर एक पक्ष तो भरपूर अपना योगदान पाते वह मैंबर सी सरदार बिरसा सिंह बटोहा वह साडे सत्कारत मैंबर नाल साडी भैन बीबी कमलदीप कौर जी आ जिहड़ी कमेटी बैठी है अपने तौर पर नहीं बनी। यह कमेटी अकाल तख्त साहब ने जो हुक्म किया सी ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇੱਕ ਮੱਤ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਹੇ ਪਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ 5 ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਰਜਮਾਨੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਚਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੋਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ
सानू दिओ तां कि श्रोमणी अकाली दल नू होर मजबूत किया जा सके। उन्होंने इस गल का भी जिक्र किया कि जिस तरह तुसी वड्डे बादल साहब नू अपना समर्थन ते सहयोग देंदे सी उही समर्थन ते सहयोग मैनू भी खुल के दिओ तां कि आने वाले समय दे विच श्रोमणी अकाली दल नू होर मजबूत किया जा सके। आओ देखिए किस ढंग दे नाल सद्भावना दिवस मौके श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने अपने पार्टी दे आगुआं ते वर्करां नू संबोधन किया। अज ता प्रकाश सिंह जी बादल साहब दा 97वें जन्म दिहाड़ा वास्ते आपां इकट्ठे होए आं परमात्मा दी गोद विच। पहली वार मेरी जिंदगी विच ते मैं कहना थोड़े सारियां दी जिंदगी विच बापू बादल अपने विच नहीं है। अज सवेरे सद्या मैं जदों उठिया मैं उन्हां दे कमरे च गया ते मन भर आया। बापू बादल ने मेरे तो पिता सी पर मेथों ज्यादा प्यार थोड़े नाल कीता, समुची कौम ना कीता ते समुचे पंजाब ना कीता। वो एक ढाल मंगू खड़े सी उन्हां दे हुंदे आपां नूं कोई चिंता नहीं सी, कोई फिक्र नहीं। वो ऐजे दरख्त सी जिहड़े 24 घंटे छां दिंदे सी। उन्हां दा जे जीवन देखिए ते उन्हां दी सियासी सेवा देखिए, श्रोमणी अकाली दल 103 साल पुरानी पार्टी है ते 103 साल पुरानी पार्टी विच तकरीबन 70 साल बादल साहब ने सेवा की पार्टी की। अकाली दल एक परिवार है, आप सारे एक परिवार है। मैं आई हाथ जोड़ के बेनती रखता जिवें तुसी वड्डे बादल साहब के सिर ते हाथ रखिया मेरे सिर ते भी हाथ रखियो, जिवें बादल साहब का तुसी साथ दिता औखी घड़ी सौखी घड़ी च मेरे सिर ते भी हाथ रखियो, मेरा भी साथ दिओ। मैं थोनू वादा करदा जिवें बादल साहब ढाल बन के थोड़े वास्ते खड़े सी, एक दरख्त वांगू शान दिंदे सी, मैं अपनी जिंदगी उन्हीं सेवा करता रहूंगा, साडा परिवार ते पीढ़ियां पीढ़ियां सेवा करता रहूंगा। प्यारे दर्शको, बंदी सिंघां दी रिहाई दे मामले नूं लै के श्रोमणी कमेटी दे वल्लों जो ऐलान किया गया है कि 20 दसंबर नूं दिल्ली विखे जो एक वड्डा रोस मार्च आयोजित किया जाएगा उस नूं लै के पूरी सियासत गरमा चुकी है। इस संबंध दे विच श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई दे प्रधान सरदार परमजीत सिंह सरना ने अपने बयान दे विच कहा कि इस रोस मार्च विच दिल्ली दीआं सिख संगतां पूरे जोशो खरोश ते वड्डी गिनती विच शामिल होणगीआं तां कि बंदी सिंघां दी रिहाई जिहड़ी है उह तुरंत करवाई जा सके। इस संबंधी आओ देखिए किस ढंग दे नाल सरदार परमजीत सिंह सरना ने अपने विचारां दा प्रगटावा किया। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतह। आज दी मीटिंग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल वल्लों सरदार सुखबीर सिंह वल्लों दे अनुसार बुलाई गई सी, जिहड़ी 20 दिसंबर नूं फैसला आया श्रोमणी कमेटी की मीटिंग दे विच कि बंदी सिंघां दी रिहाई लई 20 दिसंबर नूं गुरद्वारा श्री बंगला साहब तों रोस मार्च निकलना है, जिले में जो 26,25,000 फार्म संगत ने भर के दिते सरकार के बंदी सिंह की रिहाई कराई जाए, वो फार्म लैके असी राष्ट्रपति भवन में जावे तो उन्होंने दवाए असी उन्होंने पेन ड्राइव भी बना लिया वो भी लैके जाए। इस दिल्ली की समुची संगत को जाणू कराने लई असी श्रोमणी अकाली दल दिल्ली इकाई की मीटिंग बुलाई थी, जिस बहुत वड्डी गिणती दे विच अहुदेदार समान आए जिले असं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ। और सानू उम्मीद है कि जिस तरह का बंदी सिंघां दे लई जज्बा ते सत्कार उन्होंने दस्या है एक बहुत वड्डा इकट्ठ दिल्ली के सिंघां दा उस रोस मार्च में शामिल होएगा, तो मैं तुहाडे माध्यम राहीं
हर सिख नूं बेनती करनी चाहता कि अंग्रेजी का एक मुहावरा इट इज नाउ आर नैवर जे असी हुण ही अपने बंदी सिंह रिहा ना करा सके सरकार को कह के तो फिर साढ़े वास्ते बड़ी मुश्किल आने वाली आने वाले समय के और हर हाल असं सरकार को बेनती करनी चाहते हाँ कि हुण पोता इम्तिहान साडा ना लो। सो प्यारे दर्शकों असी हुण गल करांगे संसार भर के लगातार वध रही सिखां दी टारगेट किलिंग का मामला बड़ी तेजी नाल उभर रहा है। इस संबंध में तखत श्री दमदमा साहब के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने अपने शब्दों का प्रगटावा करदे हुए कहा कि टारगेट किलिंग का मामला किसी भी धर्म का होवे लेकिन वह एक साढ़े सारिआं दे लई एक गंभीर चिंता का विशा है। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने इस मामले संबंधी अपने विचारां दा प्रगटावा किया। टारगेट किलिंग जिहड़ी है ये पंजाब दे विच धड़ाधड़ जिहड़ी है हर शहर दे विच हुंदी दिखाई दे रही। इस तों वड्डी चिंता की गल यह है कि हुण गैंगस्टरां नूं अलग अलग मुल्कां दीआं खुफिया एजेंसियां ने अपने मनोरथां नूं जिहड़ा पूरियां करन दे लई इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिता है और इस कारण भी बहुत सारे मुल्कां दे विच टारगेट किलिंग जिहड़ियां ने वह बड़ी तेजी दे नाल वधियां ने। चाहे कनेडा दे विच हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर है जो उस तो पहला मलक रिपदमन सिंह मलक का कतल है पाकिस्तान दे विच परमजीत सिंह पंजवड़ का कतल है और ये वड्डी चिंता की जिहड़ी एक गल है कि खुफिया एजेंसियां जिहड़ियां ने इन्हां गैंगस्टरां नूं अपने मनोरथां लई इस्तेमाल जिहड़ियां ने वह कर रही ने। ते राजस्थान दे विच एक होर सिरकट आगू का जिहड़ा पिछले कुछ दिन पहला मर्डर होया है गोगा मैडी का यह भी एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया कतल है। ये कतल साडे अंदर चिंतावां पैदा कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सिखां दे खिलाफ एक अजीब जा बिरतांत जिहड़ा सिरजा जा रहा है कि ये वक्खवादी है ये अतवादी है और इस सिरज जा रहे बिरतांत नूं किते ना किते सरकारी सरप्रस्ती भी हासिल है क्योंकि सिखां दीआं वड्डीआं कुरबानियां ने सिखां दी वड्डी देण है ते जे सिख इस तरह दूजे तीजे दर्जे दे शहरी बना के रखे जाणगे ते इह मुल्क दे हितां दे विच भी बिल्कुल नहीं होएगा। टारगेट किलिंग जिहड़ी है बंद होनी चाहीदी है क्योंकि जदों दोष लगदे ने ते वड्डी चिंता जिहड़ी है उह सुभाविक ही है साडे मनां च पैदा हुंदी है। तां खुफिया एजेंसियां जिहड़ियां ने गैंगस्टरां दा इस्तेमाल करदियां जिहड़ियां अपने मनोरथां दी पूर्ति दे लई यतन कर रहियां ने यह भी हर मुल्क लई जिहड़ा है वह बहुत सोचण दा विशा है और खतरे वाली गल है। बस इहो ही कि अमन दे नाल रहिए अमन दे नाल जीइए और अमन दे नाल जीउण रहिए। सो असीं हुण गल करांगे सचखंड श्री हरिमंदर साहब अमृतसर की जिथे कि पिछले दिन उगे फिल्मी अदाकार जिमी शेरगिल विशेष तौर पर गुरु रामदास के दरबार के नतमस्तक होने लई पुजे। उन्होंने उत्थे आ के जिथे अपना सीस निवाया उत्थे नाल ही पत्रकारां दे नाल गलबात करदे होए कहा कि ये रूहानियत दे अस्थान ते आ के उन्हां नूं जिथे अध्यात्मक सुकून की प्राप्ति हुंदी है उत्थे नाल ही उन्हां नूं एक विशेष अनुभव भी प्राप्त हुंदा है। उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा दे नाल अते अपनी मेहनत दे नाल मनुख कोई भी वड्डे तो वड्डा मुकाम जिहड़ा है वह प्राप्त कर सकता है। सो आओ देखिए जिमी शेरगिल ने किस ढंग दे नाल अपने विचारां दा प्रगटावा किया। ਅੱਛਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਏ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ
देश दे विच मनुखी अधिकारां दा घाण ना हो सके। सो आओ देखिए किस ढंग दे नाल सरदार विक्रमजीत सिंह सानी ने अपने शब्दों का प्रगटावा राज्यसभा दे विच कीता। सद्भावना के लिए ये बहुत जरूरी है कि जिन सिख बंदियों ने 30 साल 32 साल गुजार लिए हैं उनका कंडक्ट ठीक है और इसमें मैनी ऑफ देम आर फेसिंग सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थनेस, तो रिलीज ऑफ बंदी सिख्स विल बी ए नेसेसरी स्टेप इन एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस एज मीन्स ऑफ फोस्टरिंग रिकंसिलिएशन एंड सोशल हीलिंग इन पंजाब। मैं भारत के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जी को प्रार्थना करता हूँ कि एक जल्दी हाई पावर्ड कमेटी बना के इन केसेस का रिव्यू करके इनका निर्वाण किया जाए। जो बंदी सिख्स 30 साल से वहाँ है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत पुर्जा पुर्जा कट। सो असी हुण फिर गल करांगे बंदी सिंघां दी रिहाई दी। बंदी सिंघां दी रिहाई दे मुद्दे नूं लै के राष्ट्रीय सिख संगत दे प्रमुख आगू सरदार आरपी सिंह ने दिल्ली सरकार तों जोरदार मंग कीती है कि मनुखी अधिकार मनाना तां ही सफला हो सकता है जेकर ओह पहल दे आधार ते प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं रिहा करे। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय तो अपनी सजा भुगत चुके प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं लगातार जेल दे विच नज़रबंद रखना सीधे रूप विच मनुखी अधिकारां दी उलंघना है। सो उन्होंने अपने साथियों के नाल मनुखी अधिकार वरस नूं मनांदे होए जिथे कालियां दस्तारां सजाईयां उत्थे दिल्ली सरकार नूं अते दिल्ली दे गवर्नर नूं जोरदार अपील भी कीती कि वह प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर नूं तुरंत रिहा करे। हमने निवेदन किया सिखों के आज प्रोटेस्ट लॉन्च करें अपना ब्लैक टर्बन डे मनाकर, हम आज काली पगड़ी बांधकर सब लोग निकले हुए हैं। आज आपको ज्यादातर लोग काली पगड़ी बांधे हुए देखेंगे इसलिए ताकि दुर्जर पासिंग भुलर की रिहाई हो, क्योंकि जिस व्यक्ति को 28 साल में जेल में हो गए, आपने उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी, जीवन भर के लिए कारावास दिया, वो 28 साल में पूरा होता है। और दूसरा ये कि आज 12 साल से अगर उसका इलाज सरकार करा रही है, मानसिक इलाज सरकार करे, तो उसमें क्या रह गया। हमने गुहार लगाई है दिल्ली के एलजी साहब को और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये सुबह लोकल गवर्नमेंट का इशू है, स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट इसकी चिंता करेगी, क्योंकि जो सेंटेंस रिव्यू बोर्ड है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है और पिछली 3 बार से सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। अपेक्षा करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि जल्द सेंटेंस रिव्यू बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए और दविंदरपाल सिंह भुल्लर का जो केस वहाँ पे है उसको सिंपैथेटिकली कंसीडर किया जाए, उसकी जो मानसिक हालत है उसको देखकर कंसीडर किया जाए। सो प्यारे दर्शकों, ए सन हुण तक दीआं प्रमुख पंथक सरगर्मियां। नवीं पंथक सरगर्मियां लै के जल्द ही तुहाडी सेवा विच मुड़ हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।